पंडित जी, वक्री ग्रह का नाम सुन करके ही थोड़ी सी घबराहट होती है, तो ये वक्री ग्रह क्या होते हैं और ये किस तरीके से असर डालते हैं? ज्योतिष में वक्री ग्रहों का एक अलग अध्याय ही है और वक्री ग्रह अपने आप में बड़े अनूठे, बड़े अलग तरह के परिणाम जीवन में देते हैं। अगर हम वक्री ग्रहों को समझना चाहें कि वक्री ग्रह होते क्या हैं, देखिए ग्रहों की गति के आधार पर अगर हम समझें, वो जो चलते हैं उसके आधार पर समझें, तो तीन तरह की उनकी गति होती है, मार्गी, वक्री और अतिचारी। ग्रह जब सामान्य गति से चलता है तो उसको कहते हैं मार्गी हो गया है, मार्गी होके भ्रमण कर रहा है। जब ग्रह तीव्र गति से चलता है, तेजी से चलता है, जरूरत से ज़्यादा स्पीड आती है, तो उसे कहते हैं अतिचारी। और जब इसी तेजी में, इसी तीव्रता में वो पीछे की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं वक्री। वास्तव में देखा जाए तो ग्रह कभी पीछे नहीं चलते, कभी उल्टे नहीं चलते। उनकी गति की वजह से ऐसा एक आभास होता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसी आभास को ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है, इसी आभास को कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गए हैं। अगर कोई ग्रह सामान्य गति से निकल करके वक्री हो गया है तो उसके परिणाम बदल जाते हैं, उसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि ग्रहों के वक्री होने से उसके परिणाम उल्टे हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होने पर ग्रह एक साथ दो भावों को प्रभावित करने लगते हैं और उनकी दृष्टि बहुत सारे भावों पर पड़ने लगती है। तो जब ग्रह वक्री होते हैं तो दरअसल वो कई भावों को, कई हाउसेस को प्रभावित करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। ग्रह वक्री होकर के अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, अत्यधिक ताकतवर हो जाते हैं और उनका प्रभाव ताकतवर तरीके से जीवन में दिखाई देता है। पंडित जी, अगर मंगल ग्रह की बात की जाए तो अगर मंगल वक्री हो जाता है, कहते हैं मंगल वक्री है, लोग मंगल वक्री है यही सुनकर के डर जाते हैं, तो इसका क्या प्रभाव होता है? देखिए प्रवीण जी, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल वक्री है तो वो क्या इम्पैक्ट देगा? अगर कुंडली में मंगल वक्री है तो ऐसे लोग सामान्यतः बहुत साहसी होते हैं और बड़े उदार होते हैं, बड़े जेनरस होते हैं। वक्री मंगल वाले बड़े अच्छे सर्जन बन सकते हैं, बहुत अच्छी सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वक्री मंगल पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो अपराध की तरफ चले जाते हैं। वक्री मंगल कभी कभी क्रिमिनल टेंडेंसी भी देता है। अगर वक्री मंगल आपकी कुंडली में है और ये जीवन में दुष्प्रभाव दे रहा है तो मंगलवार का व्रत रखना शुरू करिए, इसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।